हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस क्वेश्चन को। ये कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं हम एक बार। क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट हाइपरबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी 3/2 एंड ड्रॉ इट्स टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें जो मार्केबल पॉइंट है उसको हम पहले से ही मार्क किए हुए हैं, उनको ड्रॉ करना है हाइपरबोला। और इस पर जो है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है इससे फोकस 50 mm दूर पे है और इसका एसेंट्रिसिटी जो है हाइपरबोला का 3/2 हमको दिया हुआ है और उस हाइपरबोला पे टेंजेंट और नॉर्मल हमको ड्रॉ करना है। तो आइए हम सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स से, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन है, इससे हमको 50 mm डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है जो कि मेरा फोकस होगा यहाँ पर 50 mm का पॉइंट, ये मेरा फोकस है। तो अब इस फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स के जो बीच का डिस्टेंस है तो उसको हम अब क्या करेंगे कि इसेंट्रिसिटी का इक्वल टू जो हमको दिया हुआ है 3/2 इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के सम करने पर जितना आएगा उस इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाले बीच के डिस्टेंस को हमको उतना ही पार्ट में डिवाइड करना है। तो आइए हम देखते हैं कि उसके इसेंट्रिसिटी के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के जोड़ने पर कितना आता है। तो ये 3 दिया हुआ है और ये +2 दिया हुआ है, 3 और ये 2 इक्वल टू 5 होगा, मतलब इसको हमको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना का mm का डिस्टेंस लेके, तो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का हमको डिस्टेंस दे रखा है कितना है, तो 50 mm है। तो 50 mm को 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये कट के मेरा 10 mm आ गया, मतलब हमको एक पार्ट जो है कि 10 mm का काटना है। तो मतलब यहाँ पे हमको 10 mm का मार्क लगा देना है जो कि 5 पॉइंट होगा। तो आइए हम मार्क लगा रहे हैं 10 10 का लेकर के, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 5 है। अब पॉइंट तो हम मार्क कर दिए लेकिन हाइपरबोला को ड्रॉ करने के लिए हमको तो वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स कहाँ से आएगा। तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हम जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है, तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ द फोकस, सॉरी ये होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, अब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब डिस्टेंस जो होगा फोकस से पहले और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के बाद, तो वर्टेक्स जो होगा यहाँ मेरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस। तो यहाँ इसके स्थान पे हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम तीसरा पॉइंट पे जाएंगे 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे मेरा वर्टेक्स हो जाएगा। अब देखिए नीचे से भी फॉलो कर लेगा कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की जगह पे नीचे के जगह नीचे पॉइंट पे हमारा 2 दिया हुआ है, तो ये 1 1 और ये 2, तो ये मेरा वर्टेक्स हो गया। अब इसको करेंगे क्या कि वर्टेक्स से इस फोकस के डिस्टेंस को मेजर करेंगे और इसको वर्टेक्स के परपेंडिकुलर इतना ही डिस्टेंस को ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो आइए हम कर रहे हैं, तो ये मेरा 30 mm का है, तो हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, हम रोलर स्क्रू इसके पैरेलल शिफ्ट किए और यहाँ पर लाइट लाइन भी के पैरेलल एक हम लाइन पहले परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किए। अब इसको डिवाइडर के हेल्प से फोकस का डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट को इस कॉर्नर से हम मैच कराएंगे बाय लाइट लाइन। तो ये हम मैच करा रहे हैं, तो हमने ये मैच करा दिया। अब क्या करना है कि वर्टेक्स से फ्रंट साइड में अपने मन से इक्वल डिस्टेंस लेके 5 या 6 पार्ट में इस लाइन को हम कट करेंगे। तो हम यहाँ पर 10 mm का डिस्टेंस ले रहे हैं, ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, यहाँ पे हम 6 पॉइंट
लिए आइए हम इसका नेमिंग कर दे रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, ध्यान रहे कि नेमिंग करने के लिए हम एच बी पेंसिल का यूज करते हैं। अब इस प्रत्येक पॉइंट को क्या करेंगे कि भी वाला जो लाइन है इसके पैरेलल हम रोलर स्क्रू को सेट करेंगे और प्रत्येक को ऊपर वाला लाइन से मैच कराते हुए नीचे तक एक्सटेंड करेंगे। तो ये हम वन वाला लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं नीचे तक, उसी प्रकार हम टू वाला लाइन को करेंगे। तो ये मैंने सभी पॉइंट को मैच कर दिया। अब क्या करना है, बाय डिवाइडर की हेल्प से ये मेरा सी सेंटर वाला पॉइंट है। तो डिवाइडर की हेल्प से हम करेंगे क्या कि वन पे डिवाइडर का एक नोक रखेंगे और दूसरा सी पे, ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे। वन से सी का डिस्टेंस मेजर किए, एफ को सेंटर मान के वन वाला लाइन को कट करेंगे ऊपर, उसी प्रकार नीचे भी कट करेंगे। फिर टू पे रखेंगे और यहाँ सी तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, एफ को सेंटर मान के ऊपर कट करेंगे, उसी प्रकार नीचे भी। फिर थ्री पे रखेंगे और सी तक का डिस्टेंस को मेजर करेंगे, फिर एफ को सेंटर मान के थ्री वाला लाइन को कट करेंगे, उसी प्रकार फोर को। ये मैंने सारे पॉइंट को कट कर दिए। आइए इस पर थोड़ा सा पॉइंट मार्क कर देते हैं ताकि हमको ड्रॉ करने में परेशानी नहीं हो। तो ये हम पॉइंट मार्क कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट मार्क कर दिए हैं। अब क्या करेंगे कि तो ये भी से इस पॉइंट को फ्री हैंड मैच करेंगे, उसी प्रकार पूरे पॉइंट को मैच करें। तो ये मैं सारे पॉइंट को मैच करा दिया, तो ये मेरा हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट हो गया। तो आइए इसका हम नेमिंग कर देते हैं। ये मेरा P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है और ये P5, P6, उसी प्रकार ये P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो ये मेरा हाइपरबोला बन गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ इट्स टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम करते क्या हैं कि इस हाइपरबोला पे कहीं भी अपने मन से एक पॉइंट लेंगे, जो कि मेरा ये पॉइंट M है, और इस M पॉइंट को F से लाइट लाइन मैच करेंगे। तो आइए हम इसको मैच करा रहे हैं बाय लाइट लाइन दो। तो ये हम मैच करा दिए। अब इसको क्या करना है कि इस M और F वाले लाइन पर प्रोटेक्टर को सेट करेंगे और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लेके इस डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन को एक लाइन मैच कराएंगे। तो यही हम इसको हम प्रोटेक्टर को इस पे रख रहे हैं। तो ये पॉइंट को और इस पॉइंट को लिए लाइन से मैच कर दें, जो डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन को जाके मिला। अब इस पॉइंट को इस एम पॉइंट से मैच कराएंगे, जो कि मेरा टेंजेंट होगा। तो आइए हम इसको हम बाय लाइट लाइन से इसको हम मैच करा रहे हैं। तो ये एम पॉइंट से मैच करा दिए, तो ये मेरा टेंजेंट हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमको डार्क दिखाना है, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको टेंजेंट दिखाना है। तो ये मेरा टेंजेंट हो गया। और इसमें बोल रहा है कि नॉर्मल भी, तो नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल में रिलेशन होता है कि वह एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करेंगे कि टेंजेंट के ऊपर प्रोटेक्टर को सेट करेंगे और वहां से 90 डिग्री का
एंगल पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और उस पॉइंट को पॉइंट से एक लाइन को मैच कर देंगे जो कि मेरा नॉर्मल हो जाएगा। तो आइए हम इस पॉइंट को मैच करा देंगे और वो लाइन डार्क होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो ये मेरा नॉर्मल हो गया और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये मेरा पूरा जो क्वेश्चन बोल रखा है उसके हिसाब से पूरा मेरा ये ड्रॉ हो गया हाइपरबोला एंड उस पर नॉर्मल एंड टेंजेंट। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।